गाइस वापस मैं आ गया हूँ सीसी रोड मार्केट लकी टायर शॉप। बहुत लोगों को टायर के बारे में और बहुत सारी डिटेल भी बताना है, तो शारिक भाई ने बोले वापस से अपन लोग वीडियो बनाते हैं और प्रॉपर से पूरी डिटेल देंगे लकी टायर शॉप पे शारिक भाई के थ्रू से पूरा का पूरा। ये अपना लकी टायर शॉप है, अब यहाँ से अपन जाएंगे वहाँ पे गोडाउन है उनका शारिक भाई का, फिर शारिक भाई के गोडाउन पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग शारिक भाई से बात करेंगे सब कुछ टायर वायर की, कौन कौन से टायर और बहुत सारी चीज़ जो मिस हो गई थी तो वो सब भी हम लोग बताएंगे ये वाले वीडियो में। तो शारिक भाई सामने खड़े हैं, और शारिक भाई कैसे हो भाई? तो भाई आप बोल रहे और भी बहुत सारी चीज़ें बताने अपने को व्यूवर्स लोग को, तो अब पिछला जो वीडियो था अपना कैसा रिस्पॉन्स था उसका? उसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी कॉल्स आए हैं, काफ़ी आने बहुत कस्टमर नए बने उससे और बहुत सी चीज़ें आने बहुत अच्छी हुई है। आज भी देखो देख रहे हैं पे टायर फिटिंग के लिए आए हैं भाई, आप भी टायर फिटिंग के लिए आए हो ना भाई? कौन सी बाइक का ये, कौन सी बाइक है, कितने बड़ा आपको भाई टायर? 1500 दोनों टायर एक एक टायर। अरे नया लियो आपने, सेकंड हैंड नहीं ना? अच्छा अपने शारिक भाई यहाँ पे नया टायर भी मिलता है, यहाँ पे टायर फिटिंग हो रहा है पूरा। चलो भाई शारिक भाई के गोडाउन में वापस से, पुरानी यादें ताजा हो गई भाई। अच्छा अच्छा, ये पूरा जो हम लोग ने पिछली बार दिखाए थे पूरी मैकविल थी पूरी साफ कर दी गई एकदम, यहाँ पे देख रहे हो पूरा टायर कच्चा गज भरा हुआ है यहाँ पे। शारिक भाई बोल रहे कि माल कम है, माल बहुत है। अच्छा बहुत, मतलब अपनी दुकान में कम है अभी, असल में 2-3 गोडाउन कर दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, गोडाउन आपको दिखाता हूं, सबने देखा सब माल भरा हुआ है, इधर थोड़ा कम किया हूं। अच्छा यहां पे सब कम किया। अच्छा ये बाइक वाइक बनने के लिए आई है क्या शारिक भाई पीछे? गाड़ी वगैरह बनने भी आती है। अच्छा यहां पे बनने के लिए भी आती है। तो शारिक भाई आज अपन कौन कौन से टायर की बात करेंगे, जो आप मतलब पिछले वीडियो में जो अपन ने छोड़ दिए थे? सुपर बाइक के टायर है, फिर अपना नॉर्मल इंडियन बाइक के टायर है, किवा वगैरह के टायर है, आज इंशाल्लाह अपन सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है भाई, ये अपने शारिक भाई का दूसरा गोडाउन लिया क्या शारिक भाई? क्या बात है यार, एक वहाँ पे फिर आगे शॉप है फिर यहाँ पे गोडाउन है। तो भाई ये इसमें भी टायर पूरे मतलब भरे हुए यार एकदम, डेढ़ दो हजार अपना नॉर्मल इंडियन गाड़ी में जैसे 220 वगैरह हो गई, लास्ट टाइम वीडियो में बताया था मैंने, 220 हो गई, एफजेड हो गई, ये सब गाड़ियों में लगता है। अच्छा सब सुपर बाइक के टायर सब एकदम नए जैसे टायर आएंगे। अच्छा ये सब 10% यूज रहते हैं विदाउट एनी पंचर, ऐसा आता है पंचर वगैरह कुछ टायर में, कोई भी डिफॉल्ट नहीं रहता कुछ भी। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं भाई टायर पे अपन वो नक्शी बनाते हैं ये है वो सब, ये मतलब उसमें इम्पोर्टेड टायर में अपन ये सब करते ही नहीं है ना एकदम, सब इंडियन टायर में होता है, वो भी कोनो डीलर वगैरह जो जो रहते हैं ना बाइक वगैरह बेचते हैं, हाँ हाँ वो लोग डालते हो नक्शी कटा वाटा, वो भी हम लोग बहुत कम रखते हैं, बहुत कम ना, अपने शॉप पे ये सब देखने मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यही सब टायर ऐसा है कि अपन बेस्ट प्राइस में देते तो वो क्या करने रखेंगे। अच्छा बहुत लोग ये भी बोलते हैं भाई अपने को कि भाई आपने तो इतना लिखे थे 4000, तो 2000 लिखे थे, 4000 लिखे थे, वो अपना कैसा रहता है स्टार्टिंग प्राइस रहता है ना? वो स्टार्टिंग प्राइस और कैसा होता है मालूम भाई, कि हर टायर की हर चीज की क्वालिटी का पैसा अलग होता है। हाँ मेरे पास मैं बोला था जैसे 800 थे, तो बहुत से लोगों ने बोला भाई आपने 800 ही बोला, हाँ मेरे पास 800 वाली चीज लोगे तो मैं 800 वाली चीज दूंगा। अभी जैसा आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप पानी में जितना शक्कर डालोगे उतना पानी मीठा होगा, हाँ तो वैसा ये बिजनेस भी टायर का ऐसा, जितनी अच्छी चीज के लिए जितना अच्छा पैसा दोगे उतना अच्छा टायर मिलेगा। हाँ अलग है, बहुत ही कम अभी जैसा नए टायर सुपर बाइक के जो है सब 16-17 हजार के का। अच्छा ये सब, हाँ ये पूरा, तो हम लोग उसके यानी समझो ना ये 3000 कुछ भी नहीं पकड़ के पैसा लेते, हाँ हम लोग 800 से स्टार्टिंग रखे इसकी, हाँ और मैक्सिमम 2500-3000 बहुत अच्छा हुआ एकदम नया जैसा दाना दिख रहा है टायर पे लगा हुआ 4-4500 का। अच्छा अच्छा दाना मतलब लोगों जो पूरा ऐसा है ना वही रहता है, ये देखो ये जो दाना दिख रहा है ना ये है ना, ये दाना ही है ना पूरा टायर है। अभी ये सब तो यार समझो अभी आए हैं माल सब उतरे हैं, ये अभी वॉश होएगा सब होएगा, अभी ये तो डायरेक्ट ऐसे आपको दिखा रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, अंदर बहुत टायर ऐसे है जो बहुत कम चले हुए और बहुत से टायर ऐसे भी होंगे जो नहीं भी लगे होंगे गाड़ी में, ऐसा रहता है। तो भाई अभी हम लोग ने शारिक भाई से बात की है, तो अभी हम लोग बात करेंगे अपने भाई का नाम क्या है, राशिद भाई, और अपने महफूज भाई को तो आपने पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, तो
भाई अभी हम लोगों को बताएंगे ये टायर्स अपने अपने वो 800 से चालू होते हैं टायर्स, ठीक है, 800 से स्टार्टिंग रेंज रहती है टायर्स की। तो भाई ये जो टायर्स अपना, ये देखो पहले पुराने टायर अपना देखो ऐसे रहते हैं, ठीक है, फिर इसको वॉश किया जाता है पूरा एकदम प्रॉपर, पूरा सब कुछ करने के बाद ये टायर देख लो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि एकदम नया का नया टायर है एकदम। हाँ भाई इसको पूरा वॉश करते हैं, ऐसा करते हैं पॉलिश भी मारते हैं, कुछ नहीं होती है, जैसा टायर आता है वैसे ही आपको टायर मिल जाता है और इसके अंदर कोई पंचर या कोई भी डिफॉल्ट टायर नहीं रहता है, ये इम्पोर्टेड टायर है ना भाई। अरे ये कौन सी बाइक को बैठता है, ये तुम्हारा बैठेगा 220 में, 180 उसमें, KTM में, NS में, Venedi में, रेंज कितनी रहती है अपन 800 से हमारा 800 से स्टार्ट है, क्वालिटी के ऊपर होता है, जितना गिरी होता है वो हिसाब से उसका रेट होता है, 3000 तक भी जाता है टायर, ये नहीं की 800 का बोल दिए हमने तो 800 का ही मिलेगा। हाँ भाई कस्टमर आते हैं बोलते हैं, हाँ अपन ये बता दें कि भाई स्टार्टिंग रेंज जो रहता है 800 से आपको 3000 तक, उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि शारिक भाई ने बताया कि दाना वाना भी रहता है बहुत अच्छे जाता है, वो अच्छे रेंज में अपने को टायर चले जाते हैं भाई। तो आप लोगों को भाई कंफ्यूजन जो आप लोगों की थी वो दूर हो गई होगी, पहले बहुत से लोग आते थे अभी बोले भाई YouTube पे तो 800 में तुम डाल के रखे हो, इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो अपने को फिर घुमाना पड़ता था कि मतलब 800 में इतना महंगा टायर ले लो, ऐसा करना पड़ता था, ये सब टायर उतने में थोड़ी आता है। ये वीडियो अपन उसी के लिए बना रहे कि जो व्यूअर जो रहते हैं ना वो सोचते 800 का ही टायर, नहीं भाई 800 का टायर ऐसा ना, 800 तो स्टार्टिंग रहती है फिर वो 3000 तक जाता है, बहुत लोगों का ऐसा था, शारिक भाई ने भी मेरे को बताया था कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आप एक बार वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है भाई। आप लोगों को अगर जो रहा है दूर हो गया होगा तो भाई अच्छी बात है ना भाई। तो अब हम लोग आ गए लक्की, अब एकदम ये मेन जो डिस्प्ले जो होती है ना शॉप, ये डिस्प्ले शॉप है एकदम, यहाँ पे भी टायर्स पूरे सेल होते हैं शारिक भाई के। शारिक भाई ये कौन सी बाइक का टायर है, बहुत ज़्यादा नहीं चौड़ा है ये? हाँ ये इंट्रूडर के टायर है। कौन सी बाइक का? स्पोर्ट इंट्रूडर मैकबिलर है, इंट्रूडर। अच्छा अभी ये इसका टायर अपन कोई दूसरी बाइक में लगा सकते हैं? लगेगा ना, अल्ट्रेशन करके बुलेट में भी लगता है और भी गाड़ी में लगता है, आर्मी में लगेगा। अच्छा मतलब उसको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं बुलेट, बुलेट में। अच्छा इसकी साइज कितनी होगी शारिक भाई? 240-45। कितना? 240-45। अच्छा 40-18, बाप रे बाप, ये तो पूरा दम उसके साथ में यार। और शारिक भाई ये सब टायर सब ये एक्टिवा वगैरह के, स्कूटी वगैरह ये सब इसको? अच्छा ये भी लगता है कि इतने इतना चौड़ा टायर? अप्रेला में लगता है, ये पीछे का टायर होगा ना ये? अच्छा ये सब आगे का टायर है एक्टिवा के? अच्छा एक्टिवा के टायर भी मैंने पिछले वीडियो में ना भाई शारिक भाई एक्टिवा के और ये सब स्कूटीज के मैंने टायर दिखाया नहीं था, तो इस बार क्या मैं सोचा था कि A2। अच्छा ये सब के अपने पास नए टायर रहते हैं ना? ये नए टायर है, सेकेंड हैंड भी अपने पास? अच्छा नए भी है। तो भाई शारिक भाई अंदर चलते थोड़ा देखते शॉप को, ये सब देख रहे हो पूरे टायर देखो यार एकदम, ये क्या टायर है यार, ये सब सुपर बाइक के टायर्स है, उसमें आपको FZ में लग जाएगा, 220 में लग जाएगा और बहुत सारी बाइक जो है उसमें भी लग जाएगा। ये सब टायर भी अपने, ये सब टायर किसके? ये किसके? 220 आगे का टायर है कि पीछे का टायर है? ये पीछे का टायर है, ये तो नया टायर है यार। तो शारिक भाई अपने यहाँ पे नया टायर भी मिलता है ना? नया सेकंड हैंड दोनों। अच्छा ये सब भी पूरा एकदम टायर एकदम। तो कंपनीज कौन कौन सी रहती है शारिक भाई, अगर मैं बात करूँगा तो? हाँ JK है, हाँ तुम्हारा MRF है, हाँ तुम्हारा एक रेलको का है, ये नए टायर में ना? नए टायर में। और जो अपने को जैसे इसमें सेकंड हैंड टायर में कौन कौन सी कंपनी के टायर मिले? देखो ये सेकंड हैंड जो सुपर बाइक के टायर है ना, इसके अंदर भी सब कंपनी मिल जाएगी, मैचलिन है, ब्रिजस्टोन है, पिरली है। सबसे जो महंगा टायर रहता है टायर में, अगर अपन बात करते हैं टायर में सबसे महंगा टायर कौन सा रहता है, कौन सी कंपनी? एक आता है सुपर कोर्सा का टायर आता है, पिरली सुपर कोर्सा। हाँ वो पैर लेने जाओगे ना आप अगर 180 की साइज का, तो तुम्हारे को आगे पीछे पैर कम से कम वो आपको पड़ेगा, अगर बहुत ही बोलते ना बेस्ट प्राइस में मिलेगा तो कम से कम तुम्हारे को 24,000 तक के आता है। अच्छा दो टायर आगे पीछे का 24,000 का, वही चीज अपने पास है, नया लेने आएंगे कि सेकंड हैंड? नया। अच्छा नया, वही चीज अपने पास ऐसा रहेगा ना कि यार 10% यूज है,
90% ग्रिप है यार पीछा, और विदाउट एनी पंचर, ना पंचर रहेगा ना कुछ रहेगा, वही टायर अपने आना तुम्हारे को बहुत मैक्सिमम बहुत 5,500 में मिलेगा। दोनों टायर 5,500 में 24,000 मतलब नया मिलेगा, और अपने अपने आप थोड़ा 90% ना जो वो आप ये पूरा देख रहे हो अंदर पूरा, ये सब तो नया टायर है ना, पूरा नया टायर है, पूरा नया टायर। अच्छा अच्छा, अपने को ना अभी शारिक भाई 3-4 नंबर चाहिए जो कॉल उठ जाए, ठीक है भाई? राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई अपना नंबर दो, राशिद भाई नंबर दे दो, हाँ नंबर अब भी दो, अब भी दो नंबर बोलो, हाँ 9903091249। ये राशिद भाई का नंबर है, महफूज भाई अपना नंबर दो भाई, अकेले एक नंबर मैंने दे दिया था ना, 9699 9699 11 11 4999 4999। ठीक है भाई, ये महफूज भाई का, इनको भी कॉल कर सकते हो, राशिद भाई को भी कॉल करते हो। शारिक भाई आपका नंबर दो, 9594 9594 34 34 2660 2660। ठीक है, ये नंबर तो मतलब बहुत रेयर, बहुत कम ही उठेगा, नहीं तो अपना महफूज भाई का और भाई भी गाड़ी में बैठे, कहाँ जा रहे भाई? अरे ठीक है, बॉम्बे जा रहे, भाई का भी अब नंबर दे दिया, ये 3 नंबर है ना अपने पास, और कोई नंबर है? एक है 9987 9987 65 65 76 76 85 85। आपको एक कार्ड का फोटो दे देता हूँ, हाँ कार्ड का फोटो दे दो भाई, ये 4 नंबर है, इस पे किस पे भी कॉल करो आप। अच्छा, जाहिद भाई, शारिक भाई, राशिद भाई, महफूज भाई, किस पे भी आप कॉल कर सकते हो और बिंदास आ सकते हो। व्हाट्सएप पे भी फोटो वोटो सब चले जाता है, सब कुछ। और अच्छा भाई, मेरे को ये पूछने का था, अपन ने वीडियो के बाद कहाँ कहाँ अपन ने डिलीवरी किए? मुझे तो कॉल ऐसा, तो मुझे लगता है काफ़ी जगह से आया है, बट मैंने ऐसा आपकी वीडियो के थ्रू माल मैंने हरियाणा भेजा है, धर्मशाला भेजा है, फिर तुम्हारा गुजरात भेजा है और नासिक साइड गया है, यानी बहुत सी ऐसी जगह जहाँ गया, बहुत यानी याद भी नहीं है। अच्छा, मुझे कॉल तो दिन में कम से कम, मुझे आपके यूट्यूब पे चैनल थे ना, कम से कम मुझे 15-20 कॉल आते ही आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कम ऐसा दिन जाता है कि मुझे यानी यूट्यूब से कॉल नहीं आया, तो यूट्यूब के थ्रू कॉल आता ही आता है मुझे कि भाई आपका वीडियो देखा था, माशाल्लाह। और बहुत से लोगों की कंप्लेंट होती है, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, भाई कॉल रिसीव करो, वैसा बाहर होता हूँ उस वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, मुझे माल लेने के लिए बाहर और जाना रहता है, उस हिसाब से नहीं उठा पाता, इसलिए मैं अल्टरनेट नंबर दिया हूँ, और महफूज का भी नंबर है, राशिद भाई का भी नंबर है, अभी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ये आपको फोटोज वगैरह रेट्स वगैरह जो भी है टायर के सब बता देंगे, सब पूरा एक टोटल अपने को पता चल। शारिक भाई, जैसे भी ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हाँ। तो भी आप क्या बोलोगे कि मतलब डायरेक्ट आके देख के लेंगे तो और अच्छा रहता है कि ऑनलाइन अपन फोटो, अगर नजदीक से कहीं है तो अगर डायरेक्ट आके देख कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रही अगर कोई बाहर से है, जैसे आउट ऑफ मुंबई, जैसे अगर अपने को बाहर भेजना है टायर, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ठीक हाँ, है, अब मैं दिल्ली से आपको कॉल किया और आपने फोटो भेजे मुझे, तो मेरा कैसा मालूम है भाई, मुझे अगर मुंबई से कॉल आया तो मैं डायरेक्ट ही बोलता भाई आप शॉप पर आओ, आप माल देख लो, जो आपको पसंद है वहाँ पे, मेरे पास 2-3 हज़ार टायर है सब देखो, उसमें से जो समझ में आता है बोलो, मैं सब दिखाऊंगा आपको। मुझे अगर जैसे बाहर से कॉल आ गया, जैसे हरियाणा से आ गया, गुजरात से आ गया कि भाई मुझे 180 या ये साइज का टायर चाहिए, तो मेरे पास जो बेस्ट क्वालिटी रहेगी ना, तो पहले मैं उनको वो दिखाता हूँ, भाई मेरे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी है और ये रेट में। होता क्या है कि अगर मैं इधर मुंबई वाला को ये, तो क्या कुछ कभी 19-20 हुआ ना, जैसे कुछ P4 लेकर कभी बाई मिस्टेक अगर निकल जाए, तो उनको मैं चेंज करके दे सकता हूँ, जब अगर जैसे कोई बाहर का है, जैसे गुजरात का है कहीं का, तो उनका कभी कुछ हो जाए ना, तो यानी ना वो भेज सकते हैं रिटर्न, ना मैं रिटर्न लेने के लिए हो जाऊँगा, ट्रांसपोर्ट का चले जाएगा, तो इसलिए मैं उनको बेस्ट से बेस्ट जो टायर रहता है ना, जो चेक करके हम लोग पूरा मैक्यूल। अच्छा, अभी तक कोई कंप्लेंट आई है बाहर बाहर से? ऐसा तो कभी नहीं आई है, कभी नहीं। और एक आधा ऐसा कुछ हुआ भी होगा कभी, तो मैं उनको टायर चेंज कर देता हूँ, टायर चेंज। अच्छा, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ये मेरे को पूछना था, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, अभी मैं टायर मंगा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपने फोटो दे, मेरे को पसंद आ गया, तो आप कोरियर का चार्ज लेते हो या कैसा? ट्रांसपोर्ट का जो भी चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, ये है कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस में देंगे और बहुत अच्छी चीज देंगे, यानी मैंने अब तक जितनों को भेजा है ना, और बहुत से मैसेजेस, अभी मैं बहुत टाइम हो गया नहीं तो दिखाता था आपको 2-4 के मैसेज, यानी उन्होंने यही लिए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं कि भाई यानी जैसा आपको देखा था यूट्यूब पे वैसे ही आप मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स देखा हूँ और बहुत सारे मैंने पढ़ा लिया, लोगों को तकलीफ सिर्फ यही है कि शारिक भाई मेरा कॉल नहीं तो मैं भी बोलूंगा कि भाई शारिक भाई मेरा भी कॉल नहीं उठाते, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सो भाई, अभी
भाई मेरा ही वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं भाई, यूट्यूब से ही देख के आया। यूट्यूब से क्या नाम है भाई आपका? विशाल। विशाल, विशाल भाई मेरा ही वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, तो ये बाइक में टायर लगाने के लिए। सो गाइस अब मिलूंगा आप लोगों से अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, शारिक भाई ने समझा दिए होंगे, मैंने समझा दिया रहूँगा। ठीक है, टायर जो रहते हैं 800 से शुरू होते हैं और 3000 तक जाते हैं, और बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के टायर यहाँ पे मिलते हैं लकी टायर शॉप के अंदर। ठीक है भाई, अब आप लोगों से मिलूंगा अगले ब्लॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।